क्षण की सड़क की तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप, अभी हालात जहांगीरपुरी के क्या है? देखिए चित्रा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। खुद जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। दीपेंद्र पाठक जो कि लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पर सीपी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि शांति जो है वो बना के रखी जाए। लगातार आप सुन सकते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसकी जाँच होगी और अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हम पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। अभी अंधेरा रात का समय है, जहां कहीं भी रोशनी लोगों ने बुझा दी है वो रोशनी जलाइए, ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें, ठीक है? तो आप लोग ये करिए और अभी कोई जरूरत नहीं है रोड पे भीड़ इकट्ठी करने की। आप लोग अपने अपने घर में जाइए, बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग वी विल सी टू इट, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सिचुएशन किसी हालत में खराब नहीं हो पाए, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान नहीं कर पाए और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था है, ठीक है? थैंक यू। ये आप सुन सकते हैं चित्रा, दीपेंद्र पाठक जो कि पूरी तरीके से सिचुएशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए लगातार लोगों के बीच में। सर क्या फिलहाल अभी सिचुएशन है यहाँ पर, जिस तरीके की हुआ उस पर क्या अभी फिलहाल सिचुएशन? नहीं, आप देख रहे हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन शांति बनाए रखें और ये किसी भी कम्युनिटी में कोई एक कम्युनिटी किसी भी दूसरे कम्युनिटी को नुकसान न कर पाए और पुलिस का एडिक्वेट प्रेजेंस है, मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था है और इसको हम हर हालत में कायम रखेंगे, हर हालत में इसको इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या तमाम दिल्ली के जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इस तरह अलर्ट पर, मोड पर रहने के लिए कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उपद्रव की शुरुआत कितने बजे हुई, कब हुई, इसका आकलन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे करने दो। हेलो, देखिए मैं आपको बता दूं चित्रा की तकरीबन 6:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि अब फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दीपेंद्र पाठक खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद है, पूरी सिचुएशन का आंकलन जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है कि क्या पूरी घटना हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने की कोशिश, जो भी असामाजिक तत्व जिन्होंने ये पूरा पथराव किया, हंगामा किया, आगजनी करी, उसकी पूरी जाँच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग गलियों में है उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाएं, शांति जो है वो बनाए रखें। इस तरीके की पूरी सिचुएशन जो है वो लगातार यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। जो लोग घरों पर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अंदर रहें, बाहर ना निकलें और किसी भी तरीके से कोई भी अंधेरा जो है वो ना करें, रोशनी जो है वो जला के रखें। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है और तमाम जो इलाके के जो मौकिल रोड है लोग हैं उनसे लगातार अपील करने की कोशिश यहाँ पर दीपेंद्र पाठक लॉ एंड ऑर्डर के जो सीपी है वो यहाँ पर करते हुए फिलहाल नजर आएंगे आपको। और इसके अलावा इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर है और अभी लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की तरफ कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। जरा अगर वो आवाज सुना पाए हमारे दर्शकों को, कोई भी असामाजिक तत्व संख्या में आए हैं ताकि मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था आपकी बरकरार रहे, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान न कर पाए और जो कुछ छोटी वारदात छोटी सी घटना हुई है उसकी पूरी तरह से पेशेवर तरीके से उसकी जांच होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो लाइट्स आपने ऑफ कर दिया है इसको लाइट जरा जला के रखें, लाइट जलाएं और अपने अपने घर में जाएं। बिल्कुल शांति व्यवस्था, बिल्कुल एकदम टोटल पीस मेंटेन करना है, ठीक है? आप सुन सकते थे दीपेंद्र पाठक को लगातार पीस कायम करने की अपील यहाँ पर लोगों की तरफ से। भारी पुलिस बल पूरे इलाके में जो है वो चित्रा इस वक्त जो है वो तैनात कर दिया गया है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है हर गली के अंदर, हर इलाके के लोगों से पुलिस जो है वो मुलाकात कर रही है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है कि शांति जो है वो बनाए रखे। कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो फिर से इस तरीके की घटना को अंजाम की गई थी, जहाँ वहाँ की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। आप मौके पर पहुंचे हुए हैं, अभी के हालात क्या है
आप बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे। आसपास की भी तस्वीरें जरा दिखाइए कैमरे को पैन करके, किस तरह से अंधेरा किया गया है और बार बार स्पेशल सीपी जो देवेंद्र पाठक जी हैं उनकी ओर से अपील की जा रही है कि लाइट जलाई जाए और इसी के साथ ही सुरक्षा पूरी तरह से दी गई है, इसका आश्वासन भी उनकी ओर से दिया जा रहा है। जरा पूरी तस्वीरें आप दिखाइए और एक बार वहां से वॉक करके उस हिस्से तक भी आप पहुंचे जहां पर तोड़फोड़ आगजनी हिंसा की एक खबर सामने आई। देखिए जरूर मैं ये पूरा ये पैच दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो हुई थी और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे इलाके में अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। लगातार ये जो घटना है वो आगे की तरफ जो है वो हुई थी और हम आपको लेके चलते हैं। आप देखिए कि ये पूरा रूट है, इस पर फिलहाल जो है अब धीरे धीरे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वही आपको नजर आएंगी। इलाके के जो लोग हैं वो फिलहाल जो है वो इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। जो तमाम लाइट्स यहां पर थी बंद कर दी गई थी, उसके लिए स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है उनकी तरफ से कहा गया है कि अपने घरों की अपने जो गलियों की लाइट्स है उनको ऑन करें। ये पूरा एरिया है आप देख सकते हैं कि यहां पर बाजार जो है वो आपको मिल जाए बातचीत करने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे और बातचीत कर पाए चश्मदीदों से। जी जी देखिए ये पूरा एरिया है और आगे की तरफ यहाँ से करीबन 200-250 मीटर के आसपास की आसपास ये पूरी घटना है। जिस वक्त ये हुआ था आपको पता है क्या कुछ हुआ था, कितने बजे की घटना है? आपको कुछ हुआ था सर यहाँ पे, देखा था क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी, क्या हुआ था? सर ये कोई थी 6:30 बजे की घटना थी। ये उस टाइम ही जब आ रहे थे ईट रोड़े तलवारें चल रही थी वहाँ पे, जब हम आ रहे थे ड्यूटी से आ रहे थे उस टाइम। कितनी बड़ी कितनी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी, भागदड़ मच रही थी, बहुत तेज भागदड़ मच रही थी। हम भी खुद भागे थे इधर। कौन लोग तलवार चला रहे थे? वापसी हो गए थे। क्या वो वहीं के स्थानीय लोग थे? पुलिस वाले आए जब ही। कौन लोग थे जो तलवार चला रहे थे? ये नहीं मालूम कौन थे, ये लोग थे यहीं पे रहने वाले लोग थे जिनको आप जानते हैं? जानते नहीं है, ये तो हंगामा जैसे हुआ भागदड़ हुआ, हम तो वापसी मुड़ गए वहाँ से कुशल के पास से। आपको पता है क्या कौन लोग थे कहाँ से थे? नहीं सर, उन लोग को ड्यूटी से लेट आए हैं कुछ, जब पता चला कि बाद में ऐसी बात हुई है। नहीं आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से तलवारें जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही थी। आप सब थे जब इस वक्त यहाँ पर ये घटना हुई, क्या कुछ था? हम तो यहीं पे थे, उधर का कहानी है, इधर नहीं था, उधर था। क्या कुछ हुआ था उसमें मुझे इतना मालूम नहीं, हमने थे यहाँ पे। देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना जो है वो हुई थी। लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर ये मॉब जो है वो कहाँ से आया, उनके हाथ में पत्थर थे, पथराव लगातार एक के बाद जो एक पथराव जो है उन लोगों के ऊपर हो रहे थे, साथ ही साथ तलवारें जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही थी। जिसके बाद अब पूरे इलाके में आप देखिए जितना हम करीब उस पॉइंट पर जाते जा रहे हैं वहां पर अंधेरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पूरा इलाका अंधेरे के अंदर जो है वो बना हुआ है और लगातार पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस इलाके को रोशनी में तब्दील किया जाए, कहीं असामाजिक तत्व फिर से इस तरीके की घटना को ना अंजाम दे। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने का आश्वासन जो है वो लगातार दिया जा रहा है।